In Nepal, you seen tigers? Yeah, long time, you know. मेरा टेंट इतना शायद तगड़ा है नहीं कि इस हवा को डील कर पाया। काफी टाइम पहले यहाँ पे एक रशियन मूवी की शूटिंग हुई थी और उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल सिटी बसाई गई थी। यूं फीलिंग आएगी जैसे बियर पी रहा हूँ। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दवाई ब्रात तिवजाबुत अली सर हाँ खरोशे। तो लास्ट वीडियो आपको याद होगा, ये अपने पाशा भाई ककदेला पाशा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस एंड वेरी गुड। भाई तगड़ा बंदा है यार। And he can drop me to a good camping place, okay? Yes. हाँ, okay. Yes, you know. Good place, yeah? Yes. कास्कर नियत होता है, कास्कर नियत। कास्कर। Oh. सबा का नियत होता है। नियत होता है। There's a big mountains, sometimes you can see... कास्कर। There's a grizzly dogs. Wolf. Wolf, like a wolf. Medvedev नियत? Yeah, Nepali, sometimes Nepali. Nepali? Yes. Tigers also. In Nepal, you seen tigers? Yeah, long time, you know. Also your name? Dipanshu. Dipanshu. No problem, Pasha, it's normal. Okay. Pasha, you are a good man. Thanks a lot. Be careful. Thanks a lot, man. Keep yourself. Okay. Spasibo, brat. See you. तो गाइज ये थे अपने पाशा भाई जिनके साथ आज सुबह से लेके अब तक मैं घूम रहा था और इन्होंने मेरे लिए एक टैक्सी अरेंज करवाई है। पहले तो मेरा प्लान था कि हिच हाइकिंग के थ्रू जाऊँ, लेकिन अगर मैं हिच हाइकिंग के थ्रू जाता तो आज काफ़ी लेट हो जाता क्योंकि पाशा भाई के साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर दिया था। काफ़ी देर से हम बातें कर रहे थे। पाशा भाई हैं वैसे रशिया से, लेकिन बिकॉज ऑफ द मोबिलाइजेशन वो रशिया छोड़ के इधर आ गए थे और ये यहाँ से अपना काम कर रहे हैं। वो रिमोटली काम कर सकते हैं यार। अगर इस साइड से देखा जाए ना तो काफ़ी जो रशियन बंदे हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बाकी अब जिन भाई साहब के साथ मैं जा रहा हूँ इनका नाम है मुराद। स्पसिबा। तो मुराद सर मुझे जो तमगले तास है वहाँ के सेंटर पे छोड़ देंगे कैंपिंग लोकेशन के ऊपर और वहाँ पे आज रात को फिर मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे काफ़ी लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ तो खेलना ही पड़ेगा। मैंने इनसे पूछा कि वहाँ पे कोई जानवर वानवर तो नहीं है ना, तो इन्होंने बोला नहीं सब सेफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तमगले दास बी लाइन रबोता नियत 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 नी туда в горы поднимаешься? Да, ага. Ловит. А вниз внизу нет. Нет. Окей. Тауэр работа, да? А? Ты там выше. Там работа, да. Би лайн. Да. А, хорошо. Интернет нет? Окей, хорошо. Много человек сейчас? В прошлый раз много было. Эти альпинисты были, скалолазы. Да. Туда это наделка, да? Наделка. की जो ऑफ रोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेन रोड यहाँ तक है, यहाँ से आगे का रास्ता मान लीजिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अगर आप मान लो तमगले तास आते हो तो मेन रोड तक आप हिचहाइकिंग कर सकते हो और उसके बाद आपको जो आगे का रास्ता है वो कवर करके जाना होगा, या तो बाई फुट पैदल जा सकते हो, नहीं तो फिर आपको कोई ना कोई बंदा यहाँ पर जाता हुआ मिल जाएगा। खास करके अगर आपको हिचहाइकिंग करके आना है तो चूज़ करना कि वीकेंड के दिन आओ ताकि लोग आपको जाते हुए वहाँ पर मिल जाएँ। अगर आप नॉर्मल दिनों में आओगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि लोग ना मिले। जब मैं भोजपुरा गया था तो मुझे उधर जाते टाइम लोग नहीं मिले थे। ऐसा सीन आपके साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। आप कक्ती अजाबुत विशद या मिनी अजाबुत दीपांशु спасибо дебачу на скальной рисунке Будды вон два камня видишь друг на друга вот так стоят да ага напротив него на скальной рисунке Будды
Потом вниз будешь, по тропинке будешь идти. С левой стороны тоже смотри, петроглифы. Петроглиф. Ага, okay, все, хорошо. Давай. And camp туда? Кемпинг, да, туда. Окей, okay, хорошо. Все, давай. Спасибо. Я здесь, если что. А, хорошо. तो भाई साहब पहुंच चुका हूं जो जहां पे गौतम बुद्ध की पिलियोग्राफी है और ये है भाई तमगलेतास। सामने जो आपको नदी दिख रही है इसका नाम है इले। ये शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि ये चाइना से आ रही है क्योंकि नदी उस तरफ बह रही है। चाइना से आती है ये और फिर कजाकिस्तान का जो लेक बलकाश है उसके अंदर इसका हुआ है माउथ बोलते हैं ना जहाँ पर नदी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दबा के लोग आ रखे हैं। Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Нормально, как у вас? Хорошо. Что, пешком гуляете? А, нет, такси. Завтра пешком. Не, наверное. А, молодец. Почему завтра пешком? А, потом Алматы. Завтра Индия. А, Индия. Да. Туда, да? Да. Кемп? Нет. На кемп? Кемп? Кемп. А, кемп. Это здесь же альплагерь. Вот сюда вот. Да, там, нормально, там, да? Да, да, да. Какой спальник? Теплый спальник? А? У тебя спальник? Нет, нету, нету туриста. Нет, спальник. Спальник, это, да? Ну да, а, есть. Да, нормально, да? Все, не замерзнешь. Спасибо. Ты будешь первым, ты замерзнешь. Вон там где-нибудь okay. Станя. Хорошо. Давай. Спасибо. तो इस एरिया में जब आप आओगे तो आपको दबा के एल्पिनिस्ट मिल जाएंगे। एल्पिनिस्ट बोले तो जो पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ते ठोक ठोक के ऊपर। तो इस टाइप के सीन है यहाँ पे। दोनों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे और बीच में ये बह रही है प्यारी सी नदी और इस नदी का नाम है इले। आई होप रात को हवा थोड़ी कम चले। अभी तो दबा के चल रही है और मेरा टेंट इतना शायद तगड़ा है नहीं कि इस हवा को डील कर पाया कर पाएगा, पता नहीं। देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना कैंप पिच करना। ये भाई साहब इले नदी जो बह रही है उस साइड और नदी के दोनों तरफ इस टाइप के कैनियन और उधर बनी हुई है एक काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे एक रशियन मूवी की शूटिंग हुई थी। नॉट लाइक दिस शूटिंग बोले तो वो फिल्म शूट हुई थी और उसके लिए एक यहाँ पे एक स्पेशल सिटी बसाई गई थी काइंड ऑफ नोमैड। इस सिटी का नाम है नोमैड सिटी। अब उसमें कोई रहता वहता नहीं है और यहाँ पे काफ़ी दबा के लोगों का रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा टेंट पिच करूँगा क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करूँगा तो अंधेरा भी होगा और हवा भी तेज़ चलेंगी। तो जल्दी से टेंट को पिच करके फिर आगे के जो और जगह हैं उनको घूमने के लिए निकल जाऊँगा मैं। लेकिन पिच कहाँ करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी जगह सही रहेगी। यहीं पर करवर लेता हूँ, इतना कुछ यहाँ पर साफ़ भी है और इतनी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये रह गई भाई नदी और नदी के जस्ट पास में मैंने पिच कर लिया है टेंट। टेंट के चारों तरफ एकदम मस्त तरीके से वो जो कील वील होती है वो ठोक दी है ताकि रात को अगर बहुत तेज़ आंधी भी आ जाए तो ये बच सके। उस दिन जब बुशरा में कैंपिंग कर रहा था तो मैंने एक गलती कर दी थी, कैंप ये मैट को एक साइड ढंग से नहीं किया था तो बैकपैक को रखने में दिक्कत हो रही थी। आज मैंने क्या किया, ये दोनों मैट बिछा लिए, मैट को एक साइड रख दूंगा और बैकपैक को एक साइड, तो रात को सोने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तो देखिए हवा के कारण ये हिल विल रहा है लेकिन अभी अंदर मैं इसका बैकपैक रख दूंगा ना तो एकदम स्टेबल हो जाएगा। टेंट को एकदम पूरे तरीके से पिच कर दिया है। जैकेट पहनने का मन नहीं रहा तो मैं नीचे एक इनर पहन के जा रहा हूँ ऊपर। अभी जो यहाँ की मेन सीनरी है गौतम बुद्ध की जो पेंटिंग पेलियोग्राफी, यार मैं ढंग से उस वर्ड को बोल नहीं रहा हूँ, तो उस पेंटिंग को देखने जा रहा हूँ। टेंट यहाँ पिच हो ही गया ऑलरेडी, अब मैं टेंट को बाय बोल के घूमने निकल रहा हूँ ऊपर पहाड़ों की तरफ। लेकिन आगे जाने से पहले मैं ये पीने वाला हूँ, एक मोहितो लेके आया था तो थोड़ी बॉडी के अंदर पानी भी आ जाएगा और आगे मेरे को और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैकेट लेने का मन नहीं था तो नीचे इनर पहन लिया है, थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यही ऑप्शन थी यार हल्की। ऊपर थोड़ा लंबा जा सकता हूँ शायद,
तो अगर ज़्यादा भारी चीज़ें लूँगा तो अजीब सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी शेड बनी हुई है, 5 मिनट यहाँ बैठता हूँ, उसके बाद गाने चलाऊँगा और फिर आगे के शहर की तरफ निकल जाऊँगा। मुझे लगा था यहाँ पे मैं अकेला आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे से पहले काफ़ी लोग आ रखे हैं। एक तो वीकेंड है तो इसलिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कल शाम की मेरी फ़्लाइट है और कल सुबह तक मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, तो कैंपिंग अच्छी हो जाएगी यार। लोग होंगे तो रात को शायद कैंप फायर भी होगा, तो लोगों से बतिया वतिया भी लूँगा, लोगों के साथ नाच वाच, अगर नाच गाना होगा तो और मज़े आ जाएंगे। और अगर वो भी नहीं हुआ तो नेचर ही यहाँ पे इतना ज़बरदस्त है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। यूँ फीलिंग आएगी जैसे बियर पी रहा हूँ। ये खोला, ये पहली बार पिया मैंने रशिया में ही था, और आई थिंक ये रशियन ही है। रशिया का है भाई, मोहितो फ्रेश नो अल्कोहल नज़दर हो भी है। नदी की उस साइड अभी घोड़े पानी वानी पीने आ रखे हैं और उनके पीछे भेड़ बकरियां हैं। अगर नदी की उस साइड जाता ना मैं तो मज़े ही आ जाते। नदी को क्रॉस कर सकते हैं, ज़्यादा मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मीटर गहरी होगी। 4 से 5 मीटर लगो ये मान लीजिए मैक्स, नदी ये गहरी 25 से 30 फीट ही है, लेकिन पानी बहुत ठंडा होगा अभी, और पानी लग भी भाई एकदम ब्लू सा ही रहा है। आप देखिए पानी एकदम साफ है यार। मेनली लोग यहाँ पे यही करने आते हैं, एल्पाइन मैं ठोकते रहेंगे और ऊपर चढ़ते रहेंगे रॉक क्लाइंबिंग टाइप में। सामने दिख रहे होंगे आपके, उधर भी है, उधर भी है और उधर भी है, लेकिन मैं यहाँ पे एल्पाइन के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पे इस जगह को देखने आया हूँ। पहले ड्रोन शॉट ले लेता हूँ, उधर घोड़े वोड़े मस्त दिख रहे हैं यार भाई, बहुत तगड़ी जगह है, आप आना यार यहाँ पे। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ज़्यादातर लोग चरियान कैनियन और उधर जाते हैं, मैं ऐसा नहीं यार, चरियान कैनियन वैनियन में बाद में चला जाऊँगा। यहाँ पे सामने वो बुद्धा की फ़ोटो दिख रही है। एक टाइम पे यहाँ पे तिब्बतियन बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, लेकिन बाद में शायद यहाँ पे इस्लाम आ गया, एंड उसके बाद फिर मोस्टली लोगों ने यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बुद्धिज़्म बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था यार, सेंट्रल एशिया में तो मान लीजिए, खास करके जब उज़्बेकिस्तान में था, किर्गिस्तान में भी कई जगह हैं, उज़्बेकिस्तान में मैं कई उसके अंदर गया था, और जो अफ़गानिस्तान है वहाँ तो बुद्धिज़्म का कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जब आप सेंट्रल एशिया में आओगे तब आपको पता चलेगा कि बुद्धिज़्म किस लेवल पे पहुँचा हुआ था, और ख़ास करके तिब्बतियन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की भी दो ब्रांच है ना, थरुवेदा एंड महायाना। थरुवेदा शायद फॉलो होता है थाईलैंड, श्रीलंका और उन कंट्रीज़ में, और महायाना हो गया अपना तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, इन कंट्रीज़। और अब आपके सामने प्रस्तुत हैं तामगले तास के ड्रोन शॉट्स। सबसे पहले तो आप ये बताइए आपको ड्रोन शॉट्स कैसे लगे? नेक्स्ट लेवल है ना यार भाई, मैं देख के हूँ यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। आप खुद देखिए, दोनों तरफ एकदम सूखे सूखे पहाड़ और बीच में से नदी बह रही है जिसका पानी एकदम साफ है। ये देख लीजिए यार, नीचे एकदम बहुत ज़्यादा क्लीन पानी है। इतनी साफ नदियाँ अपने इंडिया में तो मैंने वही देखी है, किधर मेघालय में है ना, कौन सी क्या नाम है यार उस नदी का, नदी का नाम भूल गया मैं, जो मेघालय से निकल के फिर बांग्लादेश में चली जाती है। मैंने उस नदी को बांग्लादेश की तरफ से देखा था यार, भूल गया मैं उस नदी का नाम। उसके अलावा मैंने साफ नदियाँ अपने इंडिया में नहीं देखी हैं यार। हाँ, इवन जब मान लीजिए गंगा जब उत्तराखंड में होती है, पहाड़ों में होती है, उस टाइम बहुत साफ़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे गंगा नीचे आती है तो हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया गंगा के अंदर कि क्या ही बताएं। और उधर जो आपने थोड़ी देर पहले गायें देखी होंगी ना,
ये अब अपने उधर जा रही है, घर की तरफ जा रही है। थोड़ी देर पहले घोड़े थे, घोड़े चले गए, अब यहाँ पे गायें पानी वानी पीने आई थी और अभी लाइन से चलते चलते सब चली जाएंगी उधर। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो इन्होंने गायें वाएँ पाली हुई हैं, घोड़े वोड़े पाले हुए हैं, तो जितने भी हैं यहाँ पे आप जब कजाकिस्तान में आओगे तो गायें आपको आवारा घूमते हुए, घोड़े आवारा घूमते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी के सभी किसी न किसी की हैं, लाइक दे आर डोमेस्टिकेटेड। पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ आपको नदी के पास मिलेंगे, बाकी आपको कहीं पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। और अब मैं थोड़ा आगे आ गया था ड्रोन उड़ाने के बाद, थोड़ा यार मैं खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है ना, मी टाइम। और अब वापस से कैंप की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में ही बुद्धा की फ़ोटो और वो कैलीग्राफी आएगी तो वो भी देख लूँगा मैं। तो लोग यहाँ पे एक तो नेचर का ही बहुत मज़ा लेने आते हैं, अगर मान लो आप दोस्तों के साथ आ रहे हो तो आग वाग जला के इधर मज़े वजे कर सकते हो, बारबेक्यू लेके आ जाइए, बारबेक्यू बना सकते हो इधर। ये पूरा दोनों बीच में नदी, दोनों तरफ पहाड़, और आप अपनी ऑफ रोड गाड़ी लेके आओगे तो काफ़ी मज़े कर सकते हो इधर। और अगर समर टाइम में आते हो, गर्मियों के टाइम में, तो नदी के अंदर तैरना, नदी के अंदर भी तैर बैठ सकते हो। कल से मैं कोशिश करूँगा यार, एक डुबकी तो लगा ही लो, इतना कुछ तबीयत ख़राब नहीं होगी। हाँ ठीक है, नवंबर ऑलमोस्ट आ चुका है लेकिन चलता है यार इतना। अलमाती में अगर ऊपर पहाड़ों में जाता ना, वहाँ तो स्नोफॉल भी होने लग गया है। यहाँ से तियानशन माउंटेन शायद आपने वीडियो में पहले देखे होंगे जब मैं इधर आ रहा था, अब तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें उधर कैनियन ही मान लो यार आप, एकदम एग्जैक्ट कैनियन नहीं है लेकिन शायद पुराने टाइम में यह नदी कुछ ज़्यादा ही बहती होगी तो पानी ने काट काट के रास्ता इतना बड़ा बना दिया है। बाकी यहाँ पे भी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। आपने एक चीज़ और मस्त देखी होगी ड्रोन शॉट्स में कि बाकी कहीं पे भी पेड़ पौधे का नामोनिशान नहीं दिखेगा, लेकिन नदी के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है ना उसके ऊपर दबा के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इसी टाइप के ये पेड़ हैं। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है लेकिन अभी पतझड़ आ रखा है तो सारे पौधे झड़ने वाले हैं, उसके बाद सर्दी आ जाएंगी। पूरी नदी के किनारे किनारे हैं, बाकी बीच में कहीं आपको कोई पेड़ पौधे का नामोनिशान नहीं दिखेगा, बस ये थोड़ा मोड़ा घास दिखेगा। उधर एक गुफा दिख रही है यार, छोटी सी केव, जाके देख के आऊँगा। नहीं भाई, आदमी तो नहीं घुस सकते इसके अंदर, कुछ नेवला वेवला सांप वाँप वो ज़रूर हो सकते हैं। अगर आपको हिचहाइकिंग करके यहाँ पे पहुँचना है ना तो कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी निकल जाओ। मेरे को पाशा भाई मिल गए थे, उनके कारण मैंने हिचहाइकिंग वाला प्लान कैंसिल कर दिया, नहीं तो यहाँ तक आने का मेरा प्लान हिचहाइकिंग के थ्रू ही था। जैसे मैं बुजरा में गया था ना उधर वेस्ट कजाकिस्तान में, सेम वैसे ही यहाँ करने का मन था मेरा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, कोई बात नहीं यार। तो जो गौतम बुद्ध की पेंटिंग से उधर है और उसी के नीचे वो कैलीग्राफी है भाई, नाम लिखे हुए हैं तिब्बतन स्क्रिप्ट में। अब यार मैं कन्फ्यूजन में फंसा हुआ हूँ कि क्या करूँ, ऐसे जगहों पे गाड़ी लेके जाऊँ तो ख़तरनाक एक्सपीरियंस होंगे, या लोकल्स के साथ घूमूँ तो ख़तरनाक एक्सपीरियंस होंगे, अकेला जाऊँ तो ख़तरनाक एक्सपीरियंस होंगे। अब हमेशा कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ती है। भूषरा जाने से पहले मुझे लग रहा था कि नहीं यार अगर कोई लोकल होता उसके साथ ज़्यादा तो ज़्यादा ख़तरनाक एक्सपीरियंस होते, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा मैं तो एकदम एंड तक पहुँच गया, रात को मैंने अकेले कैंपिंग भी की। जब आपके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ना उतना आपको कम डर लगेगा, और जब डर कम लगेगा तो एक्सपीरियंस भी थोड़े मोटे कम हो जाते हैं। देखो आज वाली कैंपिंग थोड़ी अलग है, आज में ना कोई डर लग रहा है क्योंकि दबा के इंसान भरे पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है व्यू ख़तरनाक ख़तरनाक एकदम प्यारा वाला। लेकिन बुशरा में व्यू भी ख़तरनाक था और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि लोगों ने मुझे वहाँ डरा दिया था कि भाई यहाँ पर तो भेड़िए भी आ जाएंगे, यहाँ पर तो वो भी आ जाएगा, सब कुछ मैं जो जो चीज़ें लोग मुझे डरा सकते थे उन सब के लिए डरा दिया था। लेकिन फिर भी वहाँ कैंपिंग की और भाई क्या ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा। अभी ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और वो वहाँ पे कैलीग्राफी वाफी, वहाँ पे वो पहाड़ पे चढ़ने वाला सीन कर रहे हैं, एल्पाइन ही बोलते हैं इसको।